तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो आज का रिव्यू, आज फिर हम किस चीज पे रिव्यू देने वाले हैं निशा? आज हम देने वाले महक मलिक के बारे में। अच्छा, तो महक मलिक के बारे में रिव्यू देने वाली है, उसके गाने के बारे में नहीं देने वाली? तो गाने के बारे में देने है ना, और वो कौन सा वो क्या कुछ करती थोड़ी है यार। तो वो नाचती तो है ना, और ये कुछ भी नहीं करना। तो यार उसके बारे में बताना, वो डांस कैसे करती, वो क्या तो करती, वो, कैसे वो, हैं। अगर उसके बारे में आप बताएंगे तो वो क्या करेगी, मुझे ये जरा सा बताएं। तो जब मुझे पता होगा ना वो किस तरीके से नाचती, किस तरीके से नहीं नाचती, तो बताऊंगी तो ना आपको। हम इसीलिए वीडियो के रिव्यू में दिखाएंगे ना वो कैसे नाचती है। टेंशन क्यों लेते हो? मैं पुरानी उसके डांस के बारे में बात बता रही हूँ तुम्हें। जैसे वो हेयर स्टाइल्स, मतलब वगैरह वगैरह जो चीजें हैं बड़ी। अच्छा, तो इसके बहुत ही गाने आजकल बहुत हिट पे जा रहे हैं। हालांकि ये गानों को गाती तो नहीं है, लेकिन नाचती उस पे तो गाने हिट पे चले जाते हैं। क्या बात है, मैं तो खुद ही टेंशन में आ गया। नहीं, मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी इसके डांस पे, मतलब उसके गाने पे डांस करे? उसके गाने पे डांस मैं उसके गाने पे नहीं किया, वो खुद ही डांस करती तो मैं उसके गाने पे कैसे डांस करूं? मतलब उसका गाना तो आया था ना, उसका गाना भी तो आया था ना, महक गुलाबा दी तू मेरे कोलो में नहीं लोड है मैंने शराबा दी। इसमें तुमने डांस करा था? मैंने तो बड़ा नहीं, मैंने उस पे खैर डांस तो नहीं किया, लेकिन कोशिश करूंगा कि उस पे कर लूं, कि जो हालात लग रहे हैं ना उसके लिए गाना आपको गाना पड़ेगा। चलो मैं तो गाऊंगी और तुम नाचा, फिर मैं एक बोलूंगी तबली वाले, ये तो तबली बज जाए। तो खैर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि आज बहुत ही जबरदस्त वाली वीडियो होने वाली है, क्योंकि महक मलिक का पहले भी हमने रिव्यू किया था, तो लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस की वजह से हमने एक बार फिर से उसी क्या वीडियो का रिव्यू करने वाले हैं। महक मलिक की डांस बहुत जबरदस्त है। डांस तो अच्छी तो है, तुमने कभी करी नहीं हो ना, तुमने कभी देखी होगी तो। हाँ सही बात है। तो मैंने वैसे बताऊं कि कॉपी इस वजह से नहीं करता, वो एक ही बारी में घूमना स्टार्ट करती है, वो घूमती 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 इतनी देर में मुझे वैसे ही चक्कर आके मैंने गिर पड़ना है। तो ये बात है कि मैं इसी वजह से उसकी कॉपी नहीं करना चाह रहा। तो खैर उसके और डांस उसकी वो ही कर सकता है, तुम उसको देख के ना बस पैसे लुटाओ बस, और यही कर सकते हो। हाँ ये है कि पैसे भी लुटाने वाली बात तो आपने कुछ अजीब ही कर दी है। मेरे जैसा गरीब तो उसके उसकी खाली उसको मतलब ना बहुत अच्छी लगती है। मैंने घर दे पूरे डंगर बेचने पे जाने ने उन्होंने कल्ला सदन पर पैसे उड़ान दी तो दूर की गल है, मैंने उन जरूरी नहीं पंजाबी ये चला के आ तू। उसकी डांस बहुत ही अच्छी है कि वो ही डांस अपने कर सकते हैं। तुम कितनी बात में कितना पकाते हो। तो यार पकाना क्या है, उसके बारे में बताने वाली बात है। हाँ, तो देखते ना वो तो लोगों को मालूम तो होना चाहिए। तो चलो हम चलते हैं अभी रिव्यू पे और वीडियो का रिव्यू करते हैं और स्टार्ट टू वीडियो। ये हमने स्टार्ट की, ये देखे के देखो कि मैं शराबबंद ये खिलाए यार, इसका लुक सेंस कितना अच्छा लग रहा है। हाँ ना, ये जैसे लेटी यार जैसे इसके अब देखो इसकी अपने बालों को कितना खूबसूरत तरीके से करेगी। ये विग तो नहीं लगी मेरे ख्याल में, इसके रियल में बाल है। हाँ हाँ ऐसे भी होता है। इसकी आईज लुक देखो कितनी प्यारी लग रही है यार। वैसे ना मैं एक बार ये देखो अब देखो तू मेरे कोलों में नहीं लोड में शराबा देख, अब भी ऐसे अदाई करे अपने बालों को इस तरीके से करे, वो देखो करा ना इसने। अब देखो उसके साथ वो लड़का बैठा है, उसको वो देखेगा और वो पैसे उठाएगा। ये पैसे फेंकने वाला था, उठाने वाला तो नहीं था। ये मुझे नहीं पता क्या करने वाला था क्या नहीं, मतलब तो खैर जो भी है, लेकिन इसका है। इसका एक लुक सेंस बड़ा प्यारा लगता है मुझे, जब ये ऐसे करती जब भी घूमती है। हाँ वो बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन मुझे वो प्यारा लगता है जो स्टार्टिंग में इसने स्टेप मारा के नीचे से हाथ लेके गई ऊपर बालों के बालों का नहीं कुछ और। तो खैर वो अलग बात है कि उस बात को हम नहीं छेड़े तो चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये किस तरीके से नाच रही है और हाँ उसका हेयर स्टाइल और उसका स्टाइल कमाल है। अच्छा ये पैसा इसके ऊपर इन्हीं स्टाइलों की वजह से ही लोग फेंकते हैं। और इसकी खूबसूरती तो देखो, उसने अल्लाह पाक ने इसको इतनी खूबसूरत तरीके से नवाजा है। उसको नहीं नवाजा, ये सारा उसका डॉक्टर का कमाल है जिसने इसकी सर्जरी की होगी। हाँ देख रही हो मेरी तरफ। अब उसका डांस देखो तुम, छोड़ो तुम गाने को एंजॉय करो, देखो कैसे वो उसका डांस देखो अब ये सब अभी कैसे घूमेगी। हाँ देखा
अभी ये इसका घूमने वाला चक्कर स्टार्ट हो गया देखो। अभी देखो पैसे धड़ाना स्टार्ट हो जाएंगे। जंप इसने कैसे मारा तुम ये देखो। अभी घूमने वाला सेटअप इसका स्टार्ट है। ये देखो पैसे फेंकने वाले आगे। मैंने क्या बोला, यू करके मांग रही पैसे दे दो पैसे। मैं मांग नहीं रही है, वो नाच रही है। तुम्हें बड़ा देखो, पता है। देखो पैसे फेंकने वाले आगे ना। तुम्हें पता, तुम्हें इस चीज के बारे में पता है। मैं तो इसका दीवाना हूँ, तुम्हें मालूम है। तुम्हें ये गाना गाना चाहिए, मेरा दीवानापन है। ओए नहीं यार, इतना भी नहीं दीवाना कि कितना तू बढ़ा छोड़े वैसे ना। ये बात इसकी, मुझे कुछ इसके लुक ऐसी है कि मुझे बहुत ही नहीं, लेकिन यार ये जिस तरीके से डांस करती है, जिस तरीके से इसके एक्ट्स होते हैं, जिस तरीके से घूमना, जब ये जिस तरीके से नजर उठा रही है, ये पड़ी हुई है, अब नोटों की बारिश हो रही है, देख रहे हैं पैसे गिर रहे हैं। ऐसा भी होता है हाँ, अगर इनकी जगह हम होती तो क्या, तो नीचे पैसे उठाने लग जाते। ऐसे ही हो जाता। हम अंडा को छोड़ के पैसे उठाने लग जाते जैसे हमें शादियों में करते थे। तो वो पागल हो गए। यही चीज है इसमें, यही इंटरेस्टेड बात है कि वो देखें। असल है ना, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, तभी वो उठा नहीं रही। अगर हमारी तरह ये भी गरीब होती तो ये भी करती। और हम याद है, छोड़ उस बात को हम बाद में करते। हाँ उसको टॉपिक को नहीं लेके आए, अब इसी टॉपिक को छेड़े के ये जो पैसे फेंक रही है यहाँ पे, हमने एनी टाइम होते तो फिर उठा लेते। हाँ ये बात तो है। तो इतने गरीब हम भी नहीं है कि मैं भी फेंक के चला जाता, मतलब 10-20 रुपए फेंकता लेकिन फेंक के जाता उठाता। लेकिन मेरी बात, उसका ना एक ड्रेस पता है तुम्हें कितने का होता है? तकरीबन 1.5 का होता है इसका ड्रेस। हाँ हाँ ऐसे ही है, बस एक दफा पहनती है, उसके बाद पहनती नहीं है ये कपड़े, वो फेंक देती है। तो उसके भाई चार्जेस कितने हैं? बोलती है कि मैं अटेंड करने का मेरे ख्याल में कुछ 15 लाख रुपए लेती है। उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। तो बताएं, और तुम्हें मैं बात तो 10-15 लाख वैसे ऊपर फेंक देती है वहाँ। 30-40 लाख जिसने एक इवेंट से कमाना, वो आए हर इवेंट का एक नया सूट नहीं ले सकती क्या? उसके बाद मुझे पता लगा कि ये बंदा तो बहुत खास है। लेकिन लेकिन सेंस डांस वगैरह सब कुछ मुझे बहुत अच्छा। अच्छा तो आपको कैसे लगे इसका डांस? बढ़िया तो मुझे भी लगा, लेकिन आपको बताएं कुछ इसमें खास नजर आया हो। मुझे इसमें खास ये कि इसका डांस, अब जिस तरीके से ये अदाएं करती, यूं करके देखना ऐसे करके, ये बात भी सही। और इसकी जैसे ठुमके वगैरह मारना, सब कुछ करना, ये बात भी है। क्योंकि ये आपको बस इसके ठुमके ही पसंद आए और कोई चीज नहीं? और इसका यार वो सामने बालों को हिलाना वगैरह, ये मुझे अच्छा लगा। तुम्हें क्या अच्छा लगा इसमें? मुझे तो इसमें बहुत कुछ अच्छा लगा कि इसकी ड्रेसिंग लुक को हो गई, जैसे कि हम और भी कह सकते हैं इसका घूमने का, और इसके अदाएं दूसरी जो है नीचे बैठ के जो इशारे करती है वो वाली, इसके समझे ये पूरी मुझे पसंद आ गई है। अब तो मैं डेली इसी पे ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है तो और क्या, मुझे तो भाई मैं तो बोलता हूँ जितनी बार देखूं मुझे नशा सजना दा हो गया है, बस वही नशा मैंने वेदा चढ़ गया। बस इसका ये गाना मुझे इस पे ये अच्छा लगता है, बस के ये कहती है महक गुलाबा दी, हाय गुलाबा हो गई है, फिर कहता नहीं लोड़ मैंने शराब बांधी। हाँ बस ते इत्थे हुणे कुप्पी पई होंदी, तू ही चढ़ा जानी सी। अल्लाह माफ करे, ऐसी तो बातें मत करो। तो अभी तुमने खुद ही तो बोला कि शराब बांधी। तो ऐसा है कि आज की हमारी वीडियो का अभी एंड करते हैं, और हो रखा खिंचा। तो ये हमारी जो थी फजूल बातें, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो वीडियो, वीडियो बन रही। तो हाँ अच्छा, तुम्हें इसकी ड्रेसिंग लुक तो अच्छी लगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि जब ये वीडियो में नहीं होता, जब इसका शूट नहीं चल रहा होता, ऐसे नॉर्मली घर में, ये तुम्हें आपने कभी सोचा और इसकी वीडियो कोई देखी है कि घर में क्या पहनता है? ये घर में पहनती है, पहनता नहीं है। ओ पहनता है, पहनती है, ओ पहनता है। यार मैं क्या कह रहा हूं, तुमने इसको जाकर देखा कि पहनता है ये? पहनती, मैंने है। वीडियो देखी है। हाँ तुम्हें बड़ा पता है। तो हाँ ये लड़कों वाले कपड़े पहनता है। नहीं तुमने इसके घर जाके देखा होगा कि क्या पहनता है? यार अभी मुझे जो एक चीज अपने घर पे बैठे बैठे मिल जाए, इसकी चीजें क्या है, किस तरीके से बनी हुई है,
किस तरीके से, मैं क्या अब उसके घर में जाके पर्सनली तो तुम्हें कैसे पता वो पहनता है, पहनती है ना, जस्ट लुकिंग लाइक मैंने देख लिया। अब मुझे देख लो मैं कैसी, मैं लड़की हूँ ना, तो मैं लड़कियों वाले कपड़े पहनूंगी ना, रात को नाइट सूट वगैरह वगैरह। लड़की थोड़ी है, लड़का है, तुम्हें बोल तो रहा हूँ अभी मैं। अब देखो मैं लड़का हूँ ना, मैं लड़कों वाले कपड़े पहनूंगा ना, वही तुम्हारे वाले। क्या वो लड़की वाले कपड़े पहनती जैसे पजामा टी शर्ट वगैरह वगैरह जो पहनती है? लड़कों वाले कपड़े पहनती है। मैं जैसे कि मैं, क्या तुम इस टॉपिक को छोड़ो, तुम उसका ड्रेसिंग लुक देखो, वो कैसे मेकअप करती है, क्या करती क्या नहीं, उस टॉपिक के बारे, वो नेल्स पेंट कैसे लगाती, कितने वाव लगते हैं उसके बायर स्टाइल देखो, यू करके प्यारे प्यारे होते हैं नो। ये तो बात है, ये हाँ, तो वो तुम पे फिर लड़का कहाँ से होगी मुझे ये बताओ दाऊ। तो यार वो घर पे जब होती है वो तब लड़का होता है यार, वो लड़का नहीं लड़की, जब अभी मेरी बात में जाती है, जब सिंपल में जाती है, वो घर पे होती है तब वो लड़का होता है, तुमने मेरी बात पे गौर नहीं किया। जब वो जाती है घर पे, जब वैसे वीडियो वगैरह बनाती, घर पे भी व्लॉग वगैरह टिकटॉक बनाती, तो तुमने इसका मेकअप लुक देखो, सिंपल में होगी, यू जो परांदा कर क्यों हो रही हो, तो तुम्हें बात बता रही हूँ यार, वो लड़की है, इट्स नॉट लड़का। अच्छा ठीक है, मान लिया ये लड़की है तो नॉट लड़का, सही है। खुश तुम इसके बारे में बताओ कि तुम्हें इसके बारे में क्या क्या अच्छा लगता है? मुझे तो इसकी पूरी अदाएं अच्छी लगी। ज्यादा क्या अच्छा लगता है? ज्यादा तो वही अच्छा लगता है जो ये अपने गर्दन से हाथ लेके जो ऊपर अपने, अगर पंजाबी में बोलूं जो अभी आपने घुमाए वहां तक हाथ जो लेके जाता है वहाँ। हाँ तुम तो, बड़े बदतमीज हो। नहीं मैं बदतमीज नहीं हूं, मैं कैचो तो खैर तेरियां दावे थोड़ी जी ओदे नाल रलदी है, तू भी नचदी तो नहीं है तो लड़की होगी क्या मतलब, अदाएं तो होंगी ना मेरी। हाँ ये भी बात सही है। तो खैर ऐसी बात है कि तुम भी डांस वगैरह नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि स्टेज टूट जाएगा। तो मैं यही भी आपको आइडिया दूंगा कि आप वीडियो बनाने में ही काम कर लें, बहुत है आप डांस वगैरह के चक्कर। तो मेरे बारे में बुराई करो तो मेरे बारे में जानते क्या, मैं मेरे बारे में जानते क्या होते हो यार? देखो अब ये काम को मैं टॉपिक बताता हूं। आप स्टेज पे नाचने गए, स्टेज टूट गया, अभी वो वहां पे गिर के गिरा आ गए, वहां पे आवाम जो होगी तुम पे हंसेगी, ये कोई अच्छी बात होगी? तुम्हारे फेवर में बात की है मैंने पागल। हाँ देखो कि आप समझे तो आपको कितना अच्छी पॉइंट वाली बात मैंने बता दी। पॉइंट वाली बात, 50 रुपए मुझे देने चाहिए। क्या 50 रुपए मुझे देने चाहिए? यार एक मुझे बात बताओ, तुम तो खाली कंघी वगैरह कर ले तो उसमें वो कैसे करती होगी, वो बाल अपने बनाती होगी सब कुछ? यार मेरे पास पैसे होते तो मैं सिर्फ कंघी नहीं, मैं भी ब्यूटी पार्लर में उसकी तरह जाके तैयार होता डेली। हाँ? अब मेरे जैसा गरीब बंदा खुद ही कंघी करेगा ना, बाल कटवा के रखेगा ना। अच्छा तुम मुझे बता मैं कैसी लगती, मैं मलिक की तरह लगती हूँ? नहीं वो ज्यादा खूबसूरत है मेकअप करके, वो मेकअप उतार के आए तो फिर शायद तेरे से भी। तुमने मुझे मेकअप लुक में नहीं देखा होगा, तभी तो बोल रहा हूँ मेकअप कर लिया करो थोड़ा सा, शादी ऐसे अच्छी नहीं लगती मुझे। जो इंसान की शादगी में हूँ, इंसान के जैसे अगर मेकअप करूंगी यहाँ पे, अपने रोमांस वाली बातें नहीं चलानी है हमने, उधर वीडियो बनानी है। खैर से हाँ तो मैग मलिक जो है ना लक्ष्य कोई टॉपिक हमने छेड़ा हुआ है, तो आप प्लीज उसी टॉपिक पे आए। हाँ तो उस उसी बात को लेके आए, बात तो एक लड़की की नॉलेज के बारे में बता रही, तो मुझे देख लो मैं भी एक लड़की हूँ, तो तुम्हें ये देख लो कि अगर मैं अगर उसकी जगह हुई तो कैसे लगूंगी। उसकी जगह तुम हुई तो वही मैक मलिक लगोगी। हाँ उसकी जगह पे हुई तो मैक मलिक ही होगी। निशा खान। निशा खान। हाँ निशा खान लगेगी ये, समझ रहे हो निशा? समझ रहे हो? आप इसको तो जानते हैं, दाऊद है ये मेरे, मतलब के मेरा बेस्ट पूरा नाम ले दाऊद बटी। सॉरी देखेंगे ये वीडियो में ऐसा ऐसा भी होता है, खैर वो कोई मसला नहीं है, डेटर हम खुद है। तो बात ये है कि ना ऐसा चलता रहता है कि तो इस वीडियो को यार यहीं खत्म करते हैं, ठीक है पैकअप करते हैं, इस बारे में हम लोग कल बात करेंगे, कल आने के बाद, ठीक है बाय अल्लाह हाफिज़। ये देखो कैसा भी होता है कि कुछ लोग हमारे से जरूरत से ज्यादा फास्ट चलते होते हैं। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके अल्लाह हाफिज़ बाय।